तो अगर मैं आपसे पूछूं ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, तो भाई हमने पढ़ा है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरी इजीली वी कैन सॉल्व। बट इफ आई आस्क ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, और अगर इसमें वेरिएबल मैं इंक्रीज कर दूं, तो ये इक्वेशन दिख रहा है लीनियर इक्वेशन बट इट हैज थ्री वेरिएबल्स। तो भाई कोई सोचेगा, दिमाग लगाएगा, चलो ठीक है कोशिश करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे, तो अभी तो चार वेरिएबल आ गए, इस तरह से पांच वेरिएबल हो सकते हैं, छह वेरिएबल हो सकते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि अगर इक्वेशन हैज मोर देन टू वेरिएबल्स, हाउ विल यू सॉल्व दिस? या दैट मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो व्हाट इज मैट्रिक्स? इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज अ सिस्टम, इट्स नॉट अ नंबर एंड इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में बैठे हो, सो यू मस्ट बी सिटिंग इन अ पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। सो व्हेन यू सिटिंग इन द क्लास, दैट अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। When you're sitting in the class, there are some number of rows and some number of columns. Similarly, a matrix has some specific number of rows and specific number of columns. So where it is used? Matrix is used in solving the equations which has more than two variables. Aur kahan use hota hai ye? To computer mein aap dekhoge, aapke ek MS Excel software aata hai. To us software ki sari calculation matrix method se use hoti hai. So how to represent it? This is represented in a square bracket, or you can also represent with a small bracket. Inside that, there are so many elements and it has some number of rows and some number of columns. And you see here down it is written 3 cross 3 or some other number also might be written. That is called order of the matrix. तो अगर किसी मैट्रिक्स में कुछ नंबर ऑफ रोज हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उसको लिखने का तरीका हो जाता है, उसको लिख देते हैं एम क्रॉस एन। जैसे कि ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसमें थ्री नंबर ऑफ रोज है, थ्री नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो एम थ्री हो जाएगा और एन थ्री हो जाएगा, तो इसमें लिख देते हैं थ्री क्रॉस थ्री, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच।